ये जो है रेट एनालिसिस एंड रेट स्केजलिंग में हमने पहले कंक्रीट किया था, अब है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ऐसे ही रेनफोर्स्ड कंक्रीट में भी डिफरेंट रेशियोज़ की जो है आप कंक्रीट यूज़ करते हैं। जो इसमें इससे डाउन वाली कंक्रीट है, डाउन लेस स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट है, उसको हम मोस्टली कम यूज़ करते हैं, क्योंकि 1:4:8 जो है ये मोस्टली हम लीन कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। और सपोज़ अगर हमारे पास 1:2:4 वाली हमारे पास रेनफोर्स कंक्रीट है और वैसे ही उसका 54% इंक्रीज़ करेगा तो 154 CFT होगा। उसी तरह से वैसे बिल्कुल सैंड की कास्ट भी निकाल लेंगे इसमें, अच्छा जी सीमेंट की कास्ट निकाल लेंगे, सॉरी सैंड की कास्ट निकाल लेंगे, और फिर जो एग्रीगेट की कास्ट है वो भी आप फाइंड कर लेंगे, क्वांटिटी भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसका पोर्शन आता है रेनफोर्स्ड में स्टील का। स्टील जो है ये डिफरेंट परसेंटेज हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। सपोज जो फॉर स्लैब्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो 1% कंक्रीट वॉल्यूम यूज़ करते हैं, टोटल कंक्रीट के वॉल्यूम का 1%। ये जनरल रूल है, इसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है, इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही बीम की जो है वो हम जनरल जो है वो 2% यूज़ करते हैं, कॉलम के 2.5% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम, एंड RCC रोड्स के लिए हम कितना 0.6% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर डेंसिटी की बात की जाए तो जो डेंसिटी है RCC रेनफोर्स कंक्रीट की वो है रेनफोर्समेंट कंक्रीट की 7850 kg पर मीटर क्यूब, और अगर आप इसको फीट क्यूब में कन्वर्ट करें तो इससे 3.28084 के क्यूब से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा 22.287 kg पर फीट क्यूब। ये पर फीट क्यूब जो है आपकी जो RCC है इसकी डेंसिटी है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमने फाइंड करनी, सपोज़ हमने फाइंड करनी है बीम में, हम अपने जो है RCC हमने यूज़ की है, उसकी हमने अपने CFT निकाला हुआ है, और 100 CFT सपोज़ हमने किया था कि ये 1:2:4 वाली जो हमने कंक्रीट यूज़ की है वो बीम की है, और उसमें 2% जो है वो ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम यूज़ करते हैं हम। और यहाँ से जो अगर हम स्टील की क्वांटिटी फाइंड करेंगे, स्टील की क्वांटिटी क्या होगी, 2% यूज़ किए तो 2/100 इनटू इसकी डेंसिटी पर फिट क्यूब जो हमने फाइंड की है वो 222.287, यहाँ से हमारे पास पर केजी जो है वो निकल आएगा। ये सपोज़ आपने जो है वो क्वांटिटी ऑफ स्टील निकाल ली है, यहाँ से जो पर CFT क्वांटिटी ऑफ स्टील निकला है वो यहाँ से निकला है 4.44574 केजी। अब पर केजी आपको रेट पता है कि आपके पास जो स्टील का रेट मार्केट में क्या चल रहा है, आपने ये 1 CFT निकाला है, अगर आपके पास जितने भी CFT हैं, सपोज 100 CFT है, 78 CFT है, 50 CFT है, उतने CFT को आप इससे जो पर केजी CFT हमारा निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपका सपोज 100 CFT था तो ये 444.574 केजी आपका स्टील निकल आया है। और कास्ट आपने निकालनी होगी तो फिर क्या करेंगे, आप इसको पर केजी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो टोटल स्टील की कास्ट यहाँ से निकल आएगी।